तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में कई बड़े फैसले होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। राज्य अतिथि गृह पिटरॉफ शिमला में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से हम आपको दे रहे हैं। आज सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी। राज्य अतिथि गृह पिटरॉफ में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से दे रहे हैं, जहां पर आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ उपचुनाव आने वाले हैं। अगले साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले हिमाचल सरकार को जो है अग्नि परीक्षा देनी होगी। 3 सीटें खाली हैं और बीते दिन जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हिमाचल दौरे पर थे और उन्होंने भी बैठक की है, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी चुनौती है हिमाचल सरकार के लिए, जयराम सरकार के लिए। और 3 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन 3 सीटों पर किसे उतारा जा सकता है। साथ ही साथ प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की आज बैठक होगी, सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। बैठक जो है राज्य अतिथि गृह पिटरॉफ में किया जाएगा, जिसमें 100% सिटिंग क्षमता के साथ बसें चलाने के अलावा शिक्षा से संबंधित और अन्य बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। हिमाचल में 100% सिटिंग क्षमता के साथ बसों का प्रस्ताव परिवहन विभाग ने तैयार किया है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान में प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए 50% क्षमता के साथ बसें चलाई जा रही है। परिवहन निगम भी बसों में सवारियों की ऑक्यूपेंसी बढ़ाने की मांग कर रहा है। प्रदेश में इस समय करीब 1500 बसें रूट पर दौड़ाई जा रही है, जबकि बाहरी राज्यों में 317 बसें चलाई जा रही है। परिवहन निगम का ये मानना है कि अगर सरकार 100% सीटिंग क्षमता बढ़ाने के आदेश जारी करता है तो प्रदेश और बाहरी राज्यों के रूटों में 3300 बसें चलाई जाएंगी। उधर प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा में भी विद्यार्थी फेल किए जाएंगे और परीक्षा परिणाम के आधार पर ही उन्हें अगली कक्षा पर भेजा जाएगा। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है आज का कैबिनेट बैठक और ऐसे में देखना होगा कि किन प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है।